हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल और एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स। जैसे अपन ने पढ़ा, सबसे पहले माउथ, बकल कैविटी, और बकल कैविटी कौन कौन से स्ट्रक्चर, पैलेट, टंग, टीथ, उसके बाद फेरिंग्स और इसोफेगस। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज स्टोमक। तो अपन ध्यान देखते हैं, स्टोमक, इट इज लोकेटेड ऑन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। इट इज लोकेटेड ऑन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। इट इज ए वाइड एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर हैव थ्री पार्ट्स। This part is, or this region is called cardiac region, phrenic region, and pyloric region. Cardiac region in which esophagus is opens, जिस भाग में esophagus open हो रही है, cardiac region, ऊपर का ये जो dome shaped part है, phrenic region, और लोअर नैरो पोर्शन इज कॉल्ड पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन इज कंटिन्यूज इनटू ड्यूडिनम। अब यहाँ पर देखें, एसोफेगस और कार्डिक रीजन ऑफ स्टोमक के जंक्शन पर जो स्फिंक्टर है उसको बोलते हैं गैस्ट्रो एसोफिजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो गैसो इसोफिजियल स्फिंक्टर और इट ऑल्सो कॉल्ड कार्डिक स्फिंक्टर। ये क्या करता है, फूड कंटेंट्स को स्टोमक से वापिस इसोफेगस में जाने से रोकता है। नेक्स्ट, एट द जंक्शन ऑफ पाइलोरिक रीजन एंड ड्यूडिनम हैव पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहां पर है पाइलोरिक स्फिंक्टर है। तो तीन पार्ट हो गए, कार्डिक रीजन, पाइलोरिक रीजन और फंडिक रीजन। देखिए, ऑन द इनर सरफेस ऑफ स्टोमक हैव ट्रांसवर्स फोल्ड्स, दीज आर कॉल्ड गैस्ट्रिक रिज। यहां पर क्या है, गैस्ट्रिक रिज। अब हम बात करते हैं वॉल ऑफ स्टोमक। वॉल ऑफ स्टोमक, वॉल ऑफ स्टोमक हैव फोर लेयर्स, सीरोसा, आउटर मोस्ट लेयर, मेसोथेलियम। नेक्स्ट है मस्कुलरीज हैव थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, मिडल सर्कुलर मसल एंड इनर मोस्ट ऑब्लिक मसल्स। The oblique muscles, presence of oblique muscles is specific feature of wall of stomach because they are present
only in wall of stomach. यहाँ पर क्वेश्चन है, the wall of stomach are differentiated with the wall of intestine. तो क्या होगा, presence of oblique muscles, because the oblique muscles are present only in the wall of stomach. तो first layer, outermost layer serosa, इसके below में muscularis, third layer है सब म्यूकोसा कंसिस्ट विद लूज कनेक्टिव टिश्यू विद नर्व फाइबर्स एंड ब्लड कैपिलरीज एंड इनरमोस्ट लेयर म्यूकोसा. इनरमोस्ट लेयर इट फॉर्म गैस्ट्रिक रिज एंड ऑल्सो हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. तो देखे वॉल ऑफ स्टोमक हैव फोर लेयर्स, सिरोसा, आउटरमोस्ट लेयर, मेसोथेलियल लेयर, मस्कुलरीज, इसमें थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स, आउटरमोस्ट लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, मिडल सर्कुलर मसल्स एंड इनर ऑब्लिक मसल्स. ऑब्लिक मसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन वॉल ऑफ स्टोमक, इट इज स्पेसिफिक फीचर ऑफ स्टोमक. And due to presence of oblique muscles, there are specific movements called kerning movements occurs in wall of stomach, which are helps in mechanical digestion of food. Next, submucosa, it consists with loose connective tissue with nerve fibers and blood capillaries. And innermost layer is mucosa. It form gastric ridges and also have gastric glands. तो यहां पर अपन देख रहे हैं स्टोमक की स्ट्रक्चर, अब देखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड. गैस्ट्रिक ग्लैंड आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा लेयर ऑफ स्टोमक एंड दे आर सिंपल ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर, हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. तो देखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, different type of cells. Gastric gland have different type of cells.
म्यूकस सेल्स दे सीक्रेट्स म्यूकस ऑक्सेंट्रिक सेल्स ऑल्सो कॉल्ड पैराइटल सेल्स दे सीक्रेट्स HCl and intrinsic factor. इनके फंक्शन अपन mechanism of digestion देखेंगे but intrinsic factor is essential for absorption of vitamin B12. Third जो cells हैं they are called जाइमोजन सेल्स ऑल्सो कॉल्ड पेप्टिक सेल्स ऑल्सो कॉल्ड चीप सेल्स जाइमोजन सेल्स पेप्टिक सेल्स और चीप सेल्स दे सीक्रेट्स पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन विच इज सीक्रेटेड ओनली इन इन्फेंट्स. नेक्स्ट है अर्जेंटोफिन सेल्स. अर्जेंटोफिन सेल्स दे सीक्रेट डिफरेंट हार्मोन्स लाइक हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन एंड दे आर गैस्ट्रिक सेल्स और जी सेल्स दे सीक्रेट हार्मोन गैस्ट्रिन हार्मोन. तो यहां पर अपन देखा द म्यूकोसा लेयर ऑफ स्टोमक हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर सिंपल ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स सच एज म्यूकस सेल्स दे सीक्रेट्स म्यूकस ऑक्सेंट्रिक सेल्स और पैराइटल सेल्स सीक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर. The intrinsic factor helps in absorption of vitamin B12. Next, zymogen cells or peptic cells or chief cells, they secrete pepsinogen and prorenin. In human, prorenin is secreted only in infants. Argentophin cells secrete histamine and serotonin. And gastric cells or G cells, they secrete hormone gastrin. And gastrin hormone stimulates the secretion of other cells. They are gastric glands. यहाँ पर देखिए स्टोमक फूड को टेम्परेरली स्टोर भी करता है 4 से 5 आवर्स के लिए और यहाँ पर फूड का डाइजेशन भी होता है. डाइजेशन भी यहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है और बायोकेमिकल डाइजेशन भी होता है. द रूमिनेंट्स हैव कंपाउंड स्टोमक हैव 4 chambers सच एज फोर चैम्बर्स. दीज फोर चैम्बर्स आर रोमेन रेटिकुलम
ओमेसम एबोसम द रूमेन एंड रेटिकुलम हैव सम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड दे आर हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज द ओमेसम इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एबोसम इज टू स्टोमक इट सीक्रेट्स जूस। तो यहां पर आप देखें जो रोमिनेंट्स हैं, रोमिनेंट्स का जो स्टोमक है उसको अपन बोलेंगे कंपाउंड स्टोमक। हैव फोर चैम्बर्स रूमेन रेटिकुलम ओमेसम एंड एबोसम। रोमेन एंड रेटिकुलम हैव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया सहजीवी जीवाणु विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। ओमेसम हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एबोसम इज टू स्टोमक इट सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस। ये जो पार्ट था स्टोमक, स्टोमक इज ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो हैव थ्री पार्ट्स। द प्रॉक्सिमल पार्ट इज ड्यूडिनम, मिडल इज जेजुनम एंड लास्ट पार्ट इज कॉल्ड इलियम। तो अपन यहां पर देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थ्री पार्ट्स। ड्यूडिनम जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडिनम जेजुनम एंड इलियम। सबसे पहले बात करते हैं अपन ड्यूडिनम। इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड सी शेप्ड स्ट्रक्चर। द बाइल डक्ट कॉमन बाइल डक्ट फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम पेनक्रियाज आर कंबाइंडली ओपन्स इनटू ड्यूडिनम थ्रू लेनोपेनक्रेटिक वेन, है ना। जो कॉमन बाइल डक्ट देखे ऐसे कॉमन बाइल डक्ट और फिर यहां पर पेनक्रेटिक डक्ट, तो ये कॉमन डक्ट बन गई। इसको क्या बोलेंगे अपन कि बाइल एंड ये डक्ट कौन सी आ गई, पेनक्रेटिक डक्ट, दोनों खुल करके ओपन होकर के कहाँ ओपन हो रही है, ये ड्यूडिनम के अंदर ओपन हो रही है। तो यहां पर ड्यूडिनम के स्ट्रक्चर अपन देखते हैं। यहां पर देखें गॉल ब्लैडर, ये कॉमन बाइल डक्ट, यहां पर पेनक्रियाज, और
ये कॉमन डक्ट हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट पैनक्रियाज या गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर से निकलने वाली कॉमन डक्ट इसको कहेंगे सिस्टिक डक्ट। राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट। द कॉमन बाइल डक्ट जॉइंट विद पैनक्रियाटिक डक्ट एंड फॉर्म हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट एंड हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट इज ओपन्स इनटू ड्यूडेनम। द ओपनिंग ऑफ हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट इज रेगुलेटेड और गार्डेड बाय ए स्फिंक्टर कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडी। इट इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडी। द वॉल ऑफ ड्यूडेनम ऑल्सो हैव फोर लेयर्स एज लाइक वॉल ऑफ स्टोमक। द आउटर मोस्ट लेयर इज सिरोसा, उसके नीचे मस्कुलरीज सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। बट द मस्कुलरीज हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स। द ओब्लिक मसल्स विच आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ स्टोमक दे आर एबसेंट इन वॉल ऑफ ड्यूडेनम। एंड द सब म्यूकोसा लेयर ऑफ ड्यूडेनम हैव सम मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स कॉल्ड ब्रूनर्स ग्लैंड्स। ब्रूनर्स ग्लैंड्स एंड ब्रूनर्स ग्लैंड सीक्रेट्स म्यूकस। नेक्स्ट द म्यूकोसा लेयर ऑफ ड्यूडेनम फॉर्म नंबर ऑफ फोल्ड्स कॉल्ड फोल्ड्स ऑफ कर्किंग। फोल्ड्स ऑफ कर्किंग दे आर प्रेजेंट ऑन इनर सरफेस ऑफ ड्यूडेनम। तो यहां पर ड्यूडेनम में देखिए बाइल जूस फ्रॉम लीवर पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज दे आर सीक्रेटेड इन ड्यूडेनम थ्रू हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट एंड द ओपनिंग ऑफ हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट इज गार्डेड बाई स्फिंक्टर ऑफ ओडी। द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन वॉल ऑफ ड्यूडेनम। कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है बट मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड इज टेक्स प्लेस इन ड्यूडेनम बाय द हेल्प ऑफ बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट अपन देखते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्टोमक ड्यूडेनम इलियम।
हिस्टोलॉजी। देखें आउटर मोस्ट लेयर सीरोसा, इट इज लॉन्गिट्यूडनल लेयर प्रेजेंट इन होल एलिमेंट्री कैनाल स्टोमक ड्यूडिनम एंड इलियम। सर्कुलर मसल्स ऑल्सो प्रेजेंट इन होल एलिमेंट्री कैनाल स्टोमक ड्यूडिनम एंड इलियम। ऑब्लिक मसल्स ओनली इन्वॉल्व ऑफ स्टोमक एंड दिस इज सब म्यूकोसल एयर हैव ब्लड सेनस नर्व फाइबर्स ब्लड कैपिलरीज एंड द सब म्यूकोसल एयर ऑफ ड्यूडेनम ऑल्सो हैव ब्रूनर्स ग्लैंड्स एंड ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर ओपन आउट थ्रू क्रिप्ट्स ऑफ लेबर कोहन। नेक्स्ट दिस इज म्यूकोसल एयर in stomach the mucosal layer form ridge and also have gastric glands। अब अपन बात करते हैं jejunum और ileum। it is largest and coiled part of alimentary canal। the mucosal layer have क्रिप्ट ऑफ लेबर कोहन। ऑल्सो कॉल्ड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स दे हैव पेनेट सेल्स सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। गॉबलेट सेल्स सीक्रेट्स म्यूकस द म्यूकस और डाइजेस्टिव एंजाइम्स और वी कैन से दैट द सीक्रेशन ऑफ पेनेट सेल्स एंड गॉबलेट सेल्स कंबाइंड कॉल्ड सक्कस एंट्रिकस। इसको अपन क्या कहेंगे सक्कस एंट्रिकस। एंड दिस पार्ट ऑल्सो हैव ग्रुप ऑफ लिम्फोसाइट्स कॉल्ड पेयर्स पैचेज कॉल्ड पेयर्स पैचेज एंड पेयर्स पैचेज प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स। तो अपने ये कह सकते हैं कि देर आर फोर लेयर्स आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दे शो मॉडिफिकेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स दे शो मॉडिफिकेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स। तो एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी और उनकी स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो सबसे बाहर क्या जाती है ये सीरोसा लेयर। सीरोसा लेयर के भीतर की ओर ये आगे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बीच अंदर की तरफ ये आगे सर्कुलर मसल्स और उसके बाद में म्यूकोसा और ये आगे सब म्यूकोसा है ना। तो फोर लेयर सीरोसा मस्कुलरीज सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा ऑल द फोर लेयर सो मॉडिफिकेशंस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो यह है हिस्टोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन लेकिन उससे पहले अपन देखते हैं
दिस इज इसोफेगस, स्टोमक, पेनक्रियाज, कॉमन बाइल डक्ट, ड्यूडिनम, जेजुनम, एलियम, सीकम, वर्मिफॉर्म, अपेंडिक्स, इट इज एसेंडिंग आर्म ऑफ कॉलन, ट्रांसवर्स आर्म ऑफ कॉलन, डिसेंडिंग आर्म ऑफ कॉलन, रेक्टम एंड एनस। अब अपन बात कर रहे थे किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की। द लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो हैव थ्री पार्ट। थ्री पार्ट्स में कौन कौन से हैं, सेकम, कॉलन एंड रेक्टम। सबसे पहले बात करेंगे अपन सेकम। इट इज ए ब्लाइंड सैक लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ एलियम एंड कॉलन, और एलियम ओपन्स इनटू सीकम थ्रू इलियोसीकल वाल्व। नेक्स्ट, the last thread like part of cecum is called vermiform appendix. The vermiform appendix, it is well developed in herbivores, have symbiotic bacteria and protozoans, and it helps in digestion of cellulose. यानी ये जो vermiform appendix है, ये जो herbivorous animals हैं, इनमें well developed है और ये help करता है किसके अंदर, cellulose के digestion में। क्यों? क्योंकि इसमें symbiotic bacteria और protozoans हैं जो cellulase enzyme secrete करते हैं। But it is vestigial in human. ना ह्यूमन में क्या है, ये वेस्टिजियल है, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर देखिए, इन ह्यूमन में क्या होगा, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स हैव ओनली लिम्फोइड टिश्यू सो दैट इट एक्ट्स एज ए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। यहां पर केवल क्या है, केवल जो लिम्फोसाइट्स के ग्रुप हैं, लिम्फोइड टिश्यू है, इसलिए यहां पर ये क्या है, एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। दिस पार्ट इज कॉल्ड सीकम। सीकम के बाद अपन बात करते हैं कॉलन। कॉलन, इट इज
comparatively more in diameter than ilium, have three arms, the descending arm transverse arm and ascending arm. देखिए ascending arm, transverse arm and descending arm. The ascending arm is smallest part of colon. It is without mesentery. And the descending part is opens into rectum through sigmoid arm. This part is called sigmoid. Next, the wall of colon have three muscular cords. Cord, tinny coli. Cord, tinny coli. कॉलन के वॉल में तीन मस्कुलर कॉर्ड्स है, देखा कहेंगे इनको टिन्नी कोलाई. देखें इस तरह से, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टिन्नी कोलाई देर आर पॉकेट लाइक प्रोजेक्शन आर अपियर्स ऑन वॉल ऑफ कॉलन. द पॉकेट लाइक प्रोजेक्शन दे आर कॉल्ड होस्ट्रा. इन पॉकेट लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहेंगे, होस्ट्रा. And there are fat filled appendages. Fat filled appendages are also present on wall of colon. They are called epiploic appendages. तो यहां पर देखें जो मस्कुलर कॉर्ड्स हैं उनको कहेंगे टिन्नी कोलाई, और टिन्नी कोलाई के कारण से जो पॉकेट लाइक प्रोजेक्शंस बन जाते हैं उनको अपन कहेंगे होस्ट्रा. और यहां पर जो फैट फील्ड जो वक्यूल्स हैं उनको अपन कहेंगे एपिप्लॉइक अपेंडेजेस. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज रेक्टम विच टेम्परेरली स्टोर्स द अनडाइजेस्टेड फूड एंड opens out through anus. तो ये अपन ने पढ़ा भी स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जिसके डिफरेंट पार्ट. नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड. तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे अपन.